दो इलायची और सुई, इनके माध्यम से हमेशा के लिए दो लोगों को अलग करने का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दो लोगों को कैसे अलग किया जाता है एक दूसरे से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मेरा नाम मोइन खान और मैं सभी प्यारी प्यारी माता बहनों का और प्यारे भाइयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ऐसा उपाय जो कि आपने अगर एक बार कर लिया तो हमेशा के लिए दो लोग अलग होंगे ही होंगे, कोई नहीं रोक सकता दो लोगों को अलग होने से। दोस्तों ये जो इलायची होती है, हरी इलायची है, और इलायची और सुई के माध्यम से आप दो लोगों को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर सकते हो, दो लोगों को एक दूसरे से हमेशा के लिए एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हो, क्योंकि ये आसान उपाय आपने देखा है और हमेशा के लिए दो लोग इससे अलग हो ही जाएंगे, ऐसा उपाय है। तो दोस्तों उपाय अच्छे से आपको करना है, पूरी अच्छे से वीडियो देखनी है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए और आप दो लोगों को अलग करने में कामयाब हो सको। तो किस तरीके से कामयाब होंगे आप? सबसे पहले आपको दो इलायची ले लेनी है इस तरीके से। दो इलायची लेने के बाद इस तरीके से अब आपको क्या करना है, सच्चे मन से काम करना है आपको। अगर सच्चा मन नहीं होगा तो आपको फायदा नहीं होगा, सच्चा मन जरूरी है, ठीक है। अब आपको इधर क्या करना है, बहुत ही बारीकी से आपको लिखना है जिसको अलग करना है उसका नाम है ममता। तो यहाँ ममता, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लिख दिया है, आपको अच्छे से लिखना है। और ठीक है, पेन पेंसिल किसी भी चीज़ से आप लिख सकते हो। ममता लिखने के बाद आपको यहाँ आपको ट्राइंगल में बनाने हैं, दो ट्राइंगल, और उन ट्राइंगलों के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं यह लिखना है वन, यह लिखना है टू, इस तरीके से लिखना है। और अब दूसरी इलायची आपको ले लेनी है, और लेने के बाद दूसरी इलायची उस पर लिखना है मीना, क्यों इन दोनों को हमें एक दूसरे से अलग करना है। तो यहाँ मीना लिखे या मनुच्चारण का आपको साइन बना देना है। ऐसा बनाने के बाद आपको दोनों जो इलायची होती हैं उनको इस तरीके से करना है। और अब सुई जो है इसकी आर पार कर देनी है दोनों इलायची को, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इलायची के आर पार कर दी, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही आपको दूसरी इलायची लेनी है और दूसरी इलायची के जो आपकी ये है आर पार कर देना है, जैसे कि ये, ठीक है, इस तरीके से ऐसा आपको करना है। तो आपको इस तरीके से भी करना है, और ऐसा करके आप दोस्तों हमेशा के लिए, ऐसा करके आप हमेशा के लिए दो लोगों को अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से करने के बाद आपको इस जो ये इलायची का और सुई है इसको क्या करना है, इसको जो ज़मीन आपको मिले और थोड़ा सा गड्ढा खोदना है, ज़मीन के अंदर दबा देना है। यकीन मानिए अगर ये उपाय आपने कर लिया तो हमेशा के लिए दो लोग अलग होंगे ही होंगे। तो उपाय आसान है, कीजिए, फ़ायदा लीजिए। इसी के साथ नमस्कार, और कुछ समस्या या कुछ परेशानी हो तो दिए हुए नंबर पर गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।